जानते हैं कंपनी के बारे में। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो फोकस करती है प्रोवाइड करने में ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विसेज को। कंपनी को बनाया गया था इन द ईयर 2000 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि वो क्रिएट करे नेशन वाइड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क को, ताकि वो मॉडर्नाइज कर सके ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन और सेफ्टी सिस्टम को इंडियन रेलवे के लिए। कंपनी का नेटवर्क पूरे देश भर में 5000 से ज्यादा स्टेशन के थ्रू पास होता है, जिसमें वो कवर करते हैं सभी मेजर कमर्शियल सेंटर्स को। अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी के मेनली तीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला कि वो फैसिलिटेट करे रेलवे को मॉडर्नाइज करने में उसके ऑपरेशंस को और सेफ्टी सिस्टम और नेटवर्क को बाय प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा कि वो प्लान करे, बिल्ड करे, डेवलप करे, ऑपरेट करे और मेंटेन करे एक नेशन वाइड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क को, जो सप्लीमेंट करे नेशनल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो हेल्प करे ग्रोथ करने में टेलीकॉम ब्रॉडबैंड और आईटी एनेबल वैल्यू एडेड सर्विसेज को देश के सभी हिस्सों में, स्पेशली रूरल, रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में। और तीसरा कि वो जनरेट कर सके रेवेन्यू को अपने टेलीकॉम नेटवर्क से थ्रू कमर्शियल यूजेस। तो इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस दो सेगमेंट में डिवाइडेड है, पहला टेलीकॉम सर्विसेज और दूसरा प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज। अगर टेलीकॉम सर्विसेज बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी इसमें ऑफर करती है टेलीप्रेजेंस सर्विसेज, जिसमें वो ऑफर करती है एंटरप्राइज क्लास फुल हाई डेफिनेशन एंड सिक्योर मल्टी पॉइंट मैनेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज को, जो डिलीवर करता है यूजर को वर्चुअल फेस टू फेस मीटिंग एक्सपीरियंस को। फिर डेटा सेंटर सर्विसेज, कंपनी खुद ही ओन करती है अपने डेटा सेंटर्स को सिकंदराबाद और गुरुग्राम में। रिटेल ब्रॉडबैंड रेल वायर कंपनी का रिटेल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है। लीज लाइन सर्विस, जिसमें कंपनी लाइन सर्विस को लीज या रेंट पे देती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस, जिसमें कंपनी वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करती है। इंटरनेट लीज लाइन सर्विस, जिसमें कंपनी इंटरनेट लाइन सर्विस को लीज या रेंट पे देती है। रैक एंड स्पेस कोएलिशन सर्विस, जिसमें कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टावर कोलोकेशन सर्विस, जिसमें कंपनी दूसरी कंपनीज को अपने टावर्स को यूज करने देती है सिग्नल पास ऑन करने में। NLD यानी नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस वॉइस कैरेज के लिए। इन सभी सर्विसेज को देने के बावजूद भी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लौती ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग और डेट फ्री कंपनी है टेलीकॉम स्पेस में। अगर प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपनी टेलीकॉम फील्ड की एक्सपर्टीज का यूज करके प्रोजेक्ट को लिया है, जैसे कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, टेलीकॉम एंड आईटी सर्विस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, एंटरप्राइज स्पेसिफिक आईटी एंड आईटीईएस प्रोजेक्ट्स को। अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में अराउंड 62 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, मेनली NBCC क्वार्टर्स, OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल रिलेटेड एसेट्स और टेलीकॉम एंड रेडियो इक्विपमेंट में। कंपनी ट्राई कर रही है कि वो ला सके और ज्यादा सर्विसेज को उसके पोर्टफोलियो में, जैसे एंटरप्राइज सर्विसेज, जो शायद प्रोवाइड करे फर्दर ग्रोथ उसके ट्रैजेक्टरी में। कंपनी साथ ही फोकस कर रही है डेवलप करने में कुछ एरियाज में, जैसे ई ऑफिस, COD, RDN, VSS, डेटा सेंटर सेंट्रिक सर्विसेज, जैसे मैनेज सर्विस ऑन क्लाउड, LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म एंड एनालिटिक्स, TCAS ट्रैफिक कोएलिशन अवॉइडेंस सिस्टम, MTCS मॉडर्न ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एटसेट्रा। कंपनी के पास 3500 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है और कंपनी ने और भी नए प्रोजेक्ट जीते हैं इंडियन रेलवे से, जिसमें दो बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जैसे कि कंटेंट ऑन डिमांड और वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम। साथ ही कंपनी ने और भी ऑर्डर्स को रिसीव किया है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट के लिए।
अगर कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम बाय सेगमेंट देखे तो कंपनी का 64% रेवेन्यू टेलीकॉम सर्विस बिजनेस से आता है। कंपनी का बाकी 36% रेवेन्यू प्रोजेक्ट वर्क सर्विस से आता है। अगर इसे और फर्दर डिवाइड करें तो कंपनी का 32% रेवेन्यू NLD सर्विस से आता है, 19% रेवेन्यू ISP सर्विसेज से आता है, 14% रेवेन्यू IP1 सर्विसेज से आता है, 11% रेवेन्यू रेलवे प्रोजेक्ट से आता है, 22% रेवेन्यू अदर प्रोजेक्ट से आता है, 2% रेवेन्यू अदर इनकम से आता है। अब जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिस्टर पुनीत चावला, मिस्टर आशुतोष वसंत, मिस्टर संजय कुमार, मिस्टर आनंद कुमार सिंह, मिस्टर उमेश बलौंदा, मिस्टर विनय श्रीवास्तव, मिस्टर चिन्नस्वामी गणेशन शामिल हैं। अब जानते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंपनी की प्रमोटर है, उनके पास कंपनी का 72.84% स्टेक है। पब्लिक के पास कंपनी का 19.95% स्टेक है। DIIs के पास कंपनी का 4.74% स्टेक है। FIIs के पास कंपनी का 2.47% स्टेक है। प्रमोटर का 0% स्टेक प्लेज है, जो एक अच्छी साइन है किसी भी कंपनी को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सी कंपनी पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।